अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जा सकता है। ऑनलाइन पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे अमेज़ोन के हवाले से। अमेज़ोन के हवाले से अगर आप जानना चाहते हैं तो ये बहुत सारी जो इसका जो नॉलेज है एक ही वीडियो में बताना बहुत मुश्किल काम है, तो आप हमारे चैनल का विज़िट करें, वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, जैसे कि ड्राप शिपिंग है या होल सेल का काम है। अमेज़ोन के बहुत सारे फीचर्स हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं। तो कुछ अरसा से, तकरीबन 2-3 महीने से पाकिस्तान में ना बहुत सारे पाकिस्तानी अकाउंट ब्लॉक हुए हैं, बंद कर दिए हैं अमेज़ोन ने। सेक्शन 3 लगाकर काफ़ी सारे अकाउंट्स बंद कर दिए हैं, जो कि अमेज़ोन में जो लोग गलत काम करते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स लगाते हैं जिनकी वजह से अमेज़ोन को नुकसान होता है या उनका जो कस्टमर होता है उसको नुकसान होता है, तो वो वाले ही अकाउंट बंद कर देते हैं। जबकि अमेज़ोन ने खुद ही ड्राप शिपिंग अलाउ की थी और ख़ुद ही ड्राप शिपिंग के लिए सारा एक पूरा प्लेटफार्म आपको फ्राहम किया गया है। अगर आप पाकिस्तान में बैठकर यूएसए में ड्राप शिपिंग करते हैं तो आपके ख्याल में अमेज़ोन को नहीं पता कि आप कहां से बैठकर ड्राप शिपिंग कर रहे हैं। तो इट मींस कि अमेज़ोन को सारी जो भी आप काम करते हैं उसका पता होता है कि आप किस मुल्क से कहाँ से बैठ कर ड्राप शिपिंग कर रहे हैं, कहाँ से आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, कहाँ पर आप सेल कर रहे हैं, तो ये सारी बातें उसको ऑलरेडी पता है। फिर उसको सेक्शन 3 लगाने की क्या ज़रूरत पेश आती है? तो पाकिस्तान में सारे अकाउंट बंद नहीं हुए, पाकिस्तान में जस्ट वो अकाउंट बंद होते हैं जो कि फेक ट्रैकिंग लगाते हैं, या वो अकाउंट बंद होते हैं जो कि कस्टमर को प्रोडक्ट सेल नहीं पहुंचाते, उसको मतलब कि ड्राप शिपिंग नहीं करते, वो फेक ट्रैकिंग लगा देते हैं और पैसे अमेज़ोन से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मतलब कि इसके बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना पड़ेगा लेकिन अमेज़ोन को उसका नुकसान होता रहता है। तो अमेज़ोन इसी वजह से अकाउंट्स बंद करता है कि उसको तो जो कंपनी को जो तो नुकसान हो रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो ये चाहता है कि उसके जो कस्टमर हैं वो उससे बदन ना हो, वो उसका एक अमेज़ोन और कस्टमर का एक बिलीव का जो रिश्ता है, ट्रस्ट का जो रिश्ता है वो कायम रहे, इस वजह से वो ऐसे लोगों के अकाउंट्स बंद कर देता है। और उसकी एक और वजह बता दूँ मैं आपको अमेज़ोन के बारे में कि अगर आपके पीसी से या लैपटॉप से कोई एक अकाउंट बंद हो गया है तो आप उस पीसी या उस लैपटॉप पे अमेज़ोन का कोई दूसरा अकाउंट ओपन ना करें, उसको वहाँ से हैंडल ना करें, क्योंकि कुछ दिनों बाद, चंद 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वो अकाउंट भी जो आप नया उस पे चला रहे होंगे वो भी बंद हो जाएगा। उसकी मेन वजह ये होती है कि हर डिवाइस का आईपी होता है, आपका लैपटॉप या आपके जो पीसी है उसका जो उसका आईपी है वो वहाँ पे सेफ हो जाता है। जब वो पहला अकाउंट बंद करते हैं तो उसी पे दोबारा से ट्राई करेंगे तो भी आपके अकाउंट्स बंद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फ्रेश आप लैपटॉप या अपना पीसी लेकर आप काम करें और प्रॉपर थ्रू चैनल काम करें, जैसा अमेज़ोन ने कहा है। अमेज़ोन कहता है कि आप किसी भी कोई भी प्रोडक्ट जो लिस्ट आप करते हैं किसी भी वेबसाइट से लें तो आप वेबसाइट को पे करें, पैसे वहाँ पे करें और वहाँ से प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करें और वहीं से ट्रैकिंग लें जहाँ से आपने प्रोडक्ट परचेज़ की है और वो कस्टमर को जो जा रही है वो जो शिप करा रहे हैं तो वो आपको ट्रैकिंग देते हैं, वो रियल ट्रैकिंग आप अमेज़ोन में लगा दें। तो इस तरह ये दो तीन चीज़ें जिनकी वजह से आम अकाउंट बंद हो रहे थे ये मैंने आपको बता दी। इसके अलावा बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें हैं वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि हर अकाउंट सिर्फ इसी वजह से नहीं बंद हो रहा कि फेक ट्रैकिंग लगा दी या फिर प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं गई, और भी काफ़ी सारी वजूहत होती हैं। वो हर बंदा अपनी जो भी उसको प्रॉब्लम आई है, जो भी उसको इशू हुआ है, उसके मुताबिक कमेंट्स में पूछ सकता है। तो इस लिहाजा अमेज़ोन पर आप ईज़िली काम कर सकते हैं, इसमें कोई ड्राप शिपिंग बहुत ईजी है, बहुत आसान है, तो ये आप काम आराम से कर सकते हैं घर बैठ के पुरसकून तरीके से। इसमें अगर आप ट्रिक्स ना लगाएं तो ये अकाउंट बंद नहीं होंगे। मोस्टली तकरीबन 90% जो अकाउंट बंद होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई ट्रिक लगी होती है। वो आप अगर आप खुद अमेज़ोन चला रहे हैं या आप किसी से पूछ के चला रहे हैं या आपका अकाउंट कोई और हैंडल कर रहा है तो किसी ना किसी जगह पर ट्रिक्स वगैरह ज़रूर इस्तेमाल होती हैं, कोई रॉन्ग काम ज़रूर हुआ होता है जिसकी वजह से अमेज़ोन अकाउंट बंद करता है। वैसे अगर उसने अकाउंट सारे बंद करने हो तो वो ऑलरेडी पाकिस्तान को इस लिस्ट से निकाल दे, ड्राप शिपिंग से ही ख़त्म कर दे, पाकिस्तानी अकाउंट बनाना ही बंद कर दे, वो एक न्यूज़ जारी कर दे कि पाकिस्तान में हम अकाउंट काम नहीं, पाकिस्तानियों के साथ हम काम नहीं करना चाह रहे, तो वो कर सकता है। लेकिन ये जो आप कहते हैं कि अमेज़ोन जानबूझकर अकाउंट बंद करता है तो कोई ऐसी रीज़न नहीं है, सिर्फ वजह ये होती है कि हम खुद कोई ना कोई गलती करते हैं जिसकी वजह से अमेज़ोन हमारे अकाउंट्स बंद करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।